करंट अफेयर्स हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए। उपमा विर्दी ने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। चीन ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग बनाई। रॉबिन पीटरसन द्वारा संन्यास की घोषणा। इशाद हुसैन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमुख नियुक्त। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड रत्न से सम्मानित। करंट अफेयर्स विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। 70 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप को 276 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि हिलरी क्लिंटन को 218 इलेक्टोरल वोट मिले। अमेरिकी चुनाव में लगभग 20 करोड़ लोगों ने मतदान किया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए। प्रधानमंत्री द्वारा काले धन पर रोक लगाने हेतु 500 रुपए एवं 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की गई। रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपए एवं 2000 रुपए के नए नोट जारी करने की भी घोषणा की गई। पुराने नोट जमा कराने के लिए 50 दिन का समय दिया गया है। उपमा विर्दी ने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। उपमा विर्दी को यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया में भारतीय व्यावसायिक समुदाय की ओर से प्रदान किया गया है। विर्दी ऑनलाइन रिटेल वेंचर चाय वाली चलाती हैं तथा वे एक कॉर्पोरेट वकील भी हैं। भारतीय व्यावसायिक समुदाय का यह अवार्ड उपमा की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। चीन ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग बनाई। इसका निर्माण चीन और तिब्बत को सुरंग मार्ग से जोड़ने के लिए किया गया। 7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग समुद्र तल से 6168 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग से सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से तिब्बत जाने में 2 घंटे कम समय लगेगा। रॉबिन पीटरसन द्वारा संन्यास की घोषणा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन पीटरसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। रॉबिन पीटरसन ने अपने करियर में 15 टेस्ट, 79 वनडे तथा 21 2020 मुकाबले खेले। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की तरफ से सबसे अधिक विकेट लिए थे। इशाद हुसैन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमुख नियुक्त। टाटा सन्स ने इशाद हुसैन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया। इशाद हुसैन 1983 में टाटा स्टील से जुड़े थे और अब तक विभिन्न पदों पर रहे। टाटा सन्स के पास TCS में 74% हिस्सेदारी है। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड रत्न से सम्मानित। एनडी तिवारी को यह सम्मान उत्तराखंड की स्थापना की 17वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड रत्न सम्मान देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए 18.5 करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।